पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। मुझे लगा भाई ये जो जिंदगी गाड़ी चल रही है इसकी मैं चेन खींचता हूँ और मैं उतर जाता हूँ। तो किया क्यों नहीं? 3 बजे पहली जो पिस्तौल हमें मिलती है, इसी गोली 45 रुपए की आती है, ये गोली सरकारी होती है। मैंने कहा यार अपना सुकून खरीदने के लिए मैं साला पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करूं? दूसरी, मेरा असिस्टेंट है मुन्ना, उससे कुछ रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से, नेक्स्ट डे होली थी। मैंने सोचा मर जाऊंगा तो इसकी होली खराब हो जाएगी। तीसरी, जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पे लगी, मेरा ध्यान गया खिड़की की तरफ और खिड़की के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष था। मैंने सोचा यार इसको देखते देखते तो नहीं मारा जा सकता है। मैं उठा खिड़की बंद करने के लिए, खिड़की बंद की मैंने, वापस लौटा तो वो मोमेंट चला गया, वो टूट गया। उसके बाद मेरा मरने का दिल नहीं किया। इसी को जिंदगी कहते हैं मेरे भाई, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। अच्छा ये बताओ, नींद तो आती है ठीक से? नहीं आ रही। कितने दिन से नहीं सोए हो? 4-5 दिन से। 4-5 दिन। आखिरी बार ठीक से कब सोए थे? कब सोया था? पिछली बार जब अपने गांव गया था, माँ की गोद में सर रख के लेटा था, वहाँ आई थी नींद, बहुत गहरी नींद आई थी। मैं सोता रहा घंटों, नींद तो माँ की गोद में आती है डॉक्टर साहब।